हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखने वाले। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूं आपके सामने, तो ये रहा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो तीन वे से या तीन कैटेगराइजेशन में आप लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, अगर ऊपर ऊपर से फटाफट रिवाइज किया जाए, आई होप सबको आपको याद भी आ रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी या वैलिडिटी भी हम जिसको बोल सकते हैं, तो वैलिडिटी के हिसाब से कौन कौन से टाइप बनते थे बच्चों? एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट्स और अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप सबको ये याद आ रहा होगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करूं तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। और परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, और एग्जीक्यूटरी के भी दो होते हैं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। ये हुआ मोटा मोटा ऊपर ऊपर से। ओके, काफी बच्चों को अंदर की भी चीजें याद आ रही होंगी, या जिनको याद नहीं भी आ रही है कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग वीडियो इसी के लिए बना रहे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, फर्दर डिटेल में इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के बेसिस पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या टाइप बनते हैं? तो सबसे पहला बनेगा बच्चों आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिएबल, ऐसा एग्रीमेंट जो बाइंडिंग है और इन्फोर्सिएबल भी है, उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे। और सबसे मेन बात मुद्दे की बोलू बच्चों, तो जब आपके ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाए, जो हमने इसेंशियल एलिमेंट प्रीवियस रिविजन के वीडियो में देखा, तो वो सबके सब अगर तुम्हारे इसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाए, वो अगर एक एग्रीमेंट में नजर आ रहे होंगे, तो जाके वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बताना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट, जैसे एज ऑफ मेजोरिटी या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, फ्री कंसेंट चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, फिर उसके बाद में टू पार्टीज वगैरह वगैरह, वो जितने भी हमने इसेंशियल देखे, वो अगर सारे के सारे मौजूद होंगे तो जाके आप लोग बोल सकते हो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया। तो इसको जानना बड़ा सिंपल है। और देखो, अभी अभी मेरे को पार्थ ने एक क्वेश्चन पूछा था। पार्थ पूछता है सर, अब उसने तो इसेंशियल एलिमेंट के कंटेक्स्ट में पूछा था कि सर इसेंशियल एलिमेंट जो हमने यहां पे देखे, तो क्या अगर एग्जाम में इसको लिखना होगा तो क्या सिर्फ नाम लिखने रहेंगे या अंदर का भी लिखना पड़ेगा? डेफिनेटली, जब मैंने आपका एक टेस्ट लिया था पहले, तो काफी लोगों ने क्या कर दिया था, ये इतने इतने पॉइंट्स ही लिख दिए थे। तो बच्चों कभी भी याद रखो, जैसे आप लोग आज तक 12th में करते आओ, वैसे ही आपको सीए में भी करना है। मीन्स क्या, ये इतना लिखोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क नहीं मिलेगा, इसके आगे आपको ये भी चीजें डालनी पड़ेगी। ओके, हाँ, लेकिन अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, तो आप इतनी चीजें मत लिखो। उसमें जो मुद्दे की बातें होती है उतना आप लोग वहां पे लिख सकते हो। जो पॉइंट्स मैं आपको नोट्स में शॉर्ट में लिखाता हूं, उसको आप लोग मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज करके वहां पे डाल सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो फिर अब हम लोग थोड़ा सा वापस से आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स पे। हमने ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स देखने स्टार्ट करें, तो इसमें हमको सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मिला बताना? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिला। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंपली बताओ तो एक अपना नॉर्मल अच्छा भला कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन्फोर्सिएबल एग्रीमेंट जो होगा वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। और जहां पे सबसे मेन, जब सारे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाए, मतलब जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे, वो अगर सारे इसेंशियल एलिमेंट हो गए मौजूद, तो जाके वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, फिर इसके बाद अब आगे बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन इसका है जे। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल होगा। सीजेस का मतलब होता है ना होना। ओके, नहीं होना। क्या? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल, जो सीज हो रहा है, मतलब जो नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा, बिकम्स वॉइड। हाँ, लेकिन कब ये वॉइड बनेगा? व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल, जिस वक्त वो इन्फोर्सिएबल नहीं रहेगा उसी वक्त वो क्या बन जाएगा? वॉइड बनेगा। इन्फोर्सिएबल मतलब रिकग्नाइज बाय लॉ, जिसको लॉ रिकग्नाइज करता है।
तो जब वो सीज टू बी इन्फोर्सेबल होगा, जब उसको लॉ कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो उसी वक्त आपका वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मैंने तो आपको इसमें और भी अच्छे से बता दिया था, जब आपके इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना हो, तो जाके आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसेंशियल एलिमेंट मौजूद होते हैं तो वो इन्फोर्सेबल होता है, इन्फोर्सेबल हुआ तो वैलिड होता है, और जब वो सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल होगा तब तो ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जब आपके इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं होंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैंने आपको तब भी बताया था उस वीडियो में, बहुत डिटेल में बताया था मैंने आपको, कुछ ऐसे भी इसेंशियल एलिमेंट होते हैं जैसे फ्री कंसेंट है, तो फ्री कंसेंट अगर नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता बच्चों, बट वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आपको याद आ रहा होगा कोरोजन एंड इन्फ्लुएंस है, उससे क्या बनेगा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, अच्छा फिर उसमें मैंने एक और बताया था, अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल बना तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग जाएगा। तो वो दो इसेंशियल छोड़ के बाकी जो भी इसेंशियल एलिमेंट आपके मिसिंग हो गए, तो जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि इट सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल, क्योंकि ये सीज हो जाता है, एनफोर्स नहीं हो पाता है। ओके, तो बाद में क्या बोला है, दस अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच कैन नॉट बी इनफोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में ऐसी चीज है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ में कभी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट को लेके आप लोग कहां नहीं जा सकते हो बताना, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? ओके, जैसे एग्जांपल भी दिया है यहां पे, एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर, आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखो मैंने आपको इसके जगह पे मेरे हिसाब से पेंटर का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको बोला था कि एक पेंटर था, आपने उसको नेचुरल पेंटिंग बनाने को बोली थी, ओके, और आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया और उतने में ही बंदा क्या हो गया, अटक गया। अब प्रॉब्लम क्या जनरेट हो जाती है बताना, वो बंदा अटपने से प्रॉब्लम ये जनरेट होगी कि अब वो बंदा आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो देयर अराइजेज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे देखने में अच्छा भला लग रहा था, बट बाद में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस निकल के आ गई, और तुमको भी पता है हमने इसेंशियल एलिमेंट में क्या देखा, देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, एक इसेंशियल था हमारा। तो अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जनरेट हो गई तो वो इसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होगा, और उसी वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा X contracts with B for the, अच्छा ये लेकिन मैंने जो पेंटर का एग्जाम्पल दिया ये वैसा ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये बुक का है, मतलब एक बंदा है जो बुक लिखने के लिए रेडी हो चुका था और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक पब्लिशर से, पब्लिशर बोले तो जो बुक को छापता है। ओके, आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज, मतलब जो बुक लिखने वाला था वही अटप गया, काहे में, एक्सीडेंट में। अब मुझे एक बात बताओ, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था पब्लिशर के साथ कि मैं तेरे को एक बुक लिख के दूंगा, लेकिन बुक लिखने के पहले बंदा अटप गया, तो हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइड। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, काय की वजह से, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक है, वैसे सेकंड एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी ओनर ऑफ फैक्ट्री फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। अब क्या हुआ था, आपने एक बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, काय के लिए बताना, सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर के लिए। आपने उसको बोला था कि भाई 10 टन्स ऑफ शुगर मेरे को सप्लाई करना, बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड, वो सप्लाई करने के पहले ही बंदे के फैक्ट्री में लगी आग। ओके, फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, और सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये क्या हो जाएगा, वॉइड, क्योंकि अब वापस से वही बात हो गई ना बच्चों, अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है क्या बताओ, नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या बन जाएंगे बताना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। ओके, अब आगे क्या बोला है, इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन हियर दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल बट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट इट हैज टू बी कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो बच्चों कितना मस्त लिखा है उसने, वो बोलता है कि भाई जब कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, बात सीधी है ना। देखो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये तो ऐसी चीज है जो अपने आप में इन्फोर्सेबल है ही नहीं, तो ये क्या हो जाता है बताना, ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाता। हाँ
तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर उसने क्या बोला, बट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट, इट हैज टू बी कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई होता ही नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए अब हम इसको चुप नाम दे चुके हैं। कौन सा नाम दे चुके बताना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे चुके। इज दैट क्लियर? तो ये हुए आपके ये दो पर्टिकुलर पार्टी को, एक हमने देखा वैलिड, दूसरा हमने देखा वॉइड। अगर मैं बात करूं, हम ये जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं बताना, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में हम लोग ये कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला कौन सा होगा बताना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड कौन सा होगा बताना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। वैलिड कब रहेगा, जब सारे एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल होंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब रहेगा बताना, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ओके, तो ये हुए आपके ये दो पर्टिकुलर पार्ट। और देखो ये रिविजन करने में मैं आपको और एक प्रोडक्टिव रिवीजन करने का एक तरीका बताता हूं। आप लोग क्या करना है, ये वीडियोस मैं जो कर रहा हूं ये मॉड्यूल के थ्रू कर रहा हूं, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, ये वीडियोस देखने के पहले आप मेरे नोट्स पढ़ लो। वो नोट्स में मैंने डायग्रामेटिकल, पिक्टोरियल, जो कुछ भी प्रेजेंटेशन हो सकता था वो उसमें मैंने डाल के रखा है। तो आप पहले अगर वो पढ़ लोगे तो आपको वो सब चीजें पुरानी याद आएगी, और एक आधी चीज याद नहीं भी आई तो आप आपके वो पुराने वीडियोस में भी जा सकते हो, वहां से वो चीज कवर कर सकते हो। और वो सब कवर हो गया उसके बाद अगर तुम ये रिवीजन का लेक्चर देखोगे तो मेरे हिसाब से फिर ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव साबित होने लग जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर पहले से रिवीजन चल रही थी और आप फिर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सब चीजें आई होप याद आ रही होंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग ये दो करने के बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट काय में दिया गया बताना, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में दिया गया है, और इसको कैसे डिफाइन किया है बताना, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद करो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैंने पहले भी जब ये पढ़ाया था तो मैं डायरेक्टली डेफिनेशन पे नहीं आया था, मैंने आपको पहले सिंपल सोबर लैंग्वेज में एक ही बात बोला था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब बन सकता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी अगर मान लीजिए आपका जो कंसेंट होता है वो अगर कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चार चीजों से आपका कंसेंट लिया गया। कौन सी चार चीजें, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चार चीजों से अगर आपका कभी कंसेंट लिया गया होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स व्हाट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, तो आपको वो डायग्राम्स वगैरह आई होप याद ही होंगी। मैंने आपको क्या बोला था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी डिस्यूड पार्टी होती है, याद है तुमको, अग्रीव्ड पार्टी हमने उसको नाम दिया था। अग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसपे हार्म हुआ उसको हम लोग क्या बोलते बताना, अग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जो बंदा दूसरे बंदे पे कोर्जन कर देवे, कोर्जन का मतलब फिजिकल हार्म। तो अगर एक बंदा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, किसी ने किसी का गला दबा दिया, ए ने बी का गला दबा दिया, और ए ने बी का गला दबा के बी को क्या बोला कि तू मुझे क्या करना, 50,000 रुपए लेंड कर दे। ओके, लेंड में 50,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। अब मुझे एक बात बताओ, गला दबा के वो अगर 50,000 रुपए उधारी पे मांगता है तो आपको तो देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो अकॉर्डिंगली तुम लोगों ने भी क्या कर दिया, उसको 50,000 रुपीज दे दिए। ओके, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना ये तो बना कोर्जन की वजह से, आपका दिल तो बोल नहीं रहा था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका कंसेंट फ्री नहीं था, इट वॉज टेकन बाय वे ऑफ व्हाट, कोर्जन। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया बताना, ऐसे वे में ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और जब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना तो जिस पार्टी को हार्म पहुंचा, तकलीफ पहुंची, उसको बोलते हैं एग्रीव्ड पार्टी। तो जिस बंदे का गला दबाया तो वो आपकी क्या बनने वाली है, एग्रीव्ड पार्टी। तो एग्रीव्ड पार्टी के पास में क्या ऑप्शन होगा, एग्रीव्ड पार्टी के पास में एक नहीं दो ऑप्शन होंगे। अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को उधर ही रिजाइंड कर सकती है। बात समझ में आ रही है, रिजाइंड करना मतलब क्या, सेट असाइड कर देना, कैंसिल कर देना। ओके,
तो जब एग्रीड पार्टी रिजाइन करेगी कॉन्ट्रैक्ट को, तो याद रखना है उसी वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, देर इज नो इफेक्ट इन द आईज ऑफ लॉ फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने 50,000 उसको दिए तो वो 2 साल के बाद में रिपे करना ऐसी कोई जरूरत नहीं रहेगी। आपने उसको दिया तो आप फटाक से उससे क्या कर सकते हो, वापिस से वो पैसा ले सकते हो। लेकिन कब, अगर आपने सेट असाइड किया तो, आपने रिजाइंड किया तो वो जाके बनेगा एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर एग्रीड पार्टी क्या नहीं करती है बताना, रिजाइन नहीं करती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर वो क्या होने वाला है बताना, तो फिर वो हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बना रहेगा। इज दैट क्लियर? दैट विल बिकमिंग व्हाट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब जो वैलिड हो सकता है। एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल का मतलब क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, याद है ना आपको कॉन्ट्रैक्ट का क्या डेफिनेशन देखा आपने, अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू। ये वन और मोर पार्टीज कौन रहेंगी बच्चों, वो अग्रीव्ड पार्टी, जिनके ऊपर हार्म हुआ, जिनको तकलीफ सहनी पड़ी, वो उनके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिसाइड करना कि नहीं करना दूसरे पार्टी के हाथ में नहीं होगा, वो एक ही पार्टी के हाथ में होगा। वन और मोर पार्टीज मतलब वन और मोर किसके लिए बोला, जिन जिन पार्टीज पे हार्म हुआ, जो जो पार्टीज तकलीफ में आई, उनके पास में ये ऑप्शन रहेगा कौन सा, इसको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने देना है या वॉइड करना है, इसका ऑप्शन जिनके हाथ में रहेगा तो वो कौन रहेगी, एग्रीड पार्टीज रहेंगी। ये ऑप्शन दूसरों के हाथ में नहीं होता। तो इसके लिए तो बच्चों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते बताना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई, इसको क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जाके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। डेफिनेशन अपने आप में कुछ अलग ही मीनिंग बया करती है, वो कुछ नहीं बताती तो वही है कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बट हमको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है। इसके लिए आप ऐसे भी याद रखना है कि भाई जब आपका कंसेंट कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से दिया गया हो, तो उसी वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनने वाला है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ओके, और ये उसकी पूरी सी डेफिनेशन। आई होप यू मस्ट हैव क्लियर इट। ठीक है, तो अब आगे जाते। दिस इन फैक्ट मीन्स वेयर वन ऑफ द पार्टीज आर एग्रीमेंट इन अ पोजिशन और लीगल इंटाइटल टू अवॉइड द परफॉर्मिंग हिज पार्ट, मतलब एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस अवॉइड कर सकती है, देन द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइडेबल। तो जाके इसको क्या बोलेंगे, वॉइडेबल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब वो वापस से वो कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस की बात की जो मैंने आपको बता चुका हूं। ओके, अब और आगे अगर जाएंगे तो डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे आपको डिस्टिंक्शन दिया गया है। ये डिस्टिंक्शन आपको पैराग्राफ वाइज देके रखे हुए, ओके, और नीचे ये देखो ये इसके अंदर देके रखे हुए। तो आप पूछेंगे सर कैसा फॉर्मेट, देखो सजेस्टेड आंसर जितने भी एग्जाम के हैं तो वो ऐसे फॉर्मेट में आते हैं। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लिखना है, ये लिखोगे और भी अच्छा, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चल अब देखो ये और नीचे का पार्ट वैसे तो सेम है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार मुझे पलक ने क्वेश्चन पूछा था, वो इसी पर्टिकुलर पार्ट में से पूछा था, तो हम लोग पढ़ ही लेंगे सारा कुछ, कोई पॉइंट आपको ऐसा ना हो कि जो आपको ना पता हो। ठीक है, चलो वैसे तो कोई पॉइंट बचा नहीं है, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते। अब हम लोग देख रहे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल के बीच में डिस्टिंक्शन। देखो पहले डेफिनेशन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स एट ऑल, जो एनफोर्स नहीं होता वो क्या बनेगा, वॉइड, है ना, विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। अच्छा, वॉइडेबल को क्या बोला, इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। ये तो आपको भी पता है ना। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन का डिस्टिंग्विश नेचर। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम व्हेन इट इज मेड बट बिकम्स अनइन्फोर्सिएबल एंड दस वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट और इवेंट्स लाइक सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इलेगैलिटी एटसेट्रा। ओके, अब देखो यही क्वेश्चन मेरे को पलक ने पूछा हुआ था, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ये एग्जैक्टली है क्या, प्लीज आंसर सुनो। बाय नेचर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम वेन इट इज मेड, मतलब जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो ये तो वैलिड ही था, मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था एट दैट टाइम इट वॉज वैलिड, when it is made
बट बिकम्स अनइनफोर्सेबल, लेकिन वो अनइनफोर्सेबल हो जाता है एंड दस वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट और इवेंट्स लाइक सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी एटसेट्रा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये होता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बताना, कुछ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हो जाते हैं या इवेंट जनरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है, ओके और वो फिर बाद में क्या बनता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब जैसे मैंने तो आपको खुद एग्जांपल दिया था, याद करो ना वो एग्जांपल पेंटर का, क्या बोला था मैंने आपको, आपने किसी को पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, नेचुरल पेंटिंग बनाने का, तो मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे किसी भी एंगल से बुरा नहीं लगा, इट इज वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओके तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली था। लेकिन हुआ क्या, बीच में ही बंदे की डेथ हो जाती है, तो अब उसकी डेथ होने से क्या होगा बच्चों, अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अब कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड था, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऐसी हो गई, मतलब उसकी डेथ होने से सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऐसी हो गई कि वो अपने आप में क्या हो गया बताना, अनइनफोर्सिएबल हो गया, मतलब उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो या परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग क्या बोलोगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। बात समझ में आ गई आपको, और एक एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपने वो शुगर का कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे एग्जांपल देखा था, ये देखो यहीं पे हमको दिया गया था, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, है ना, तो शुगर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, बिफोर सप्लाई इज इफेक्टेड फायर कॉट इन द फैक्ट्री, मतलब सप्लाई होने के पहले क्या हो गई, आग लगी और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर यहां पे भी परफॉर्मेंस करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो बात वही हो रही है, बाय नेचर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, वैसे तो ये वैलिड होता है जब ये किया जाता है, वेन इट इज मेड, बट बिकम्स अनइनफोर्सिएबल, लेकिन ये बाद में चल के अनइनफोर्सिबल होता है एंड दस वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, बाद में कुछ डेवलपमेंट होती है या कोई इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये अनइनफोर्सिबल होता है, लाइक सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपर विनिंग का वो मतलब पूछ रही थी पलक मेरे को, तो सुपर विनिंग का मतलब होता है बच्चों सब्सिक्वेंट, ओके सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जैसे वो पेंटर बाद में मर गया तो अब उसका परफॉर्म करना मुश्किल हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलेंगे, ओके या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी आ गई। अब जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि यार गुटखा, तुमको गुटखा चाहिए था तो आपने मेरे से गुटखा मांगा, ओके लेकिन अपने इंडिया में क्या हो गया, सॉरी अपने महाराष्ट्र में गुटखा बैन तो बहुत पहले से ही हो गया, लेकिन समझ के चलो भाई अभी अभी बैन हुआ है, आपने मांगा था तब तक तो सब वैलिड था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि अभी ये वैलिड नहीं रहेगा, अभी आप गुटखा यहां पे नहीं बेच सकते हो, तो अब क्या हो गया, वो गुटखा इलीगल हो गया, तो ये सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हुई, तो इसकी वजह से भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स में, फिर रेप्यूडाइशन ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये रेप्यूडाइशन का मतलब क्या होता है, रेप्यूडाइशन का मतलब होता है रिजाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, रिजाइंडिंग का मतलब कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेटिंग असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो रेप्यूडाइशन का मतलब होता है कैंसलेशन, ठीक है। रेप्यूडाइशन ऑफ अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, अब हमने अभी भी सिखा है कि जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसल करोगे, सेट असाइड करोगे, रिजाइंड करोगे, तो वो जाके क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है, ओके। सिमिलरली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट बिकम वॉइड, अब ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको यूनिट 5 में मिलेगा बहुत डिटेल में, ठीक है, तो इस पर अभी चर्चा नहीं करते। बिकम्स वॉइड व्हेन द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ऑन विच कंटिंजेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, ये कंटिंजेंट बोले तो क्या, जो फ्यूचर में हो भी सकता नहीं भी हो सकता उसको बोलते कंटिंजेंट, ओके। अब क्योंकि वो आगे बहुत डिटेल में आएगा तो हम वहीं पे उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वुड रिमेन वैलिड अंटिल इट इज रिजाइंडेड, ओके देखो रिजाइंडेड, मैं जब रिजाइन बोलता था तो बहुत लोगों को स्पेलिंग कुछ अलग ही लगती थी, बट ये रिजाइंडेड है ना, ये देखो ये स्पेलिंग ध्यान से देखना रिजाइंडेड। तो बोला क्या गया है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वुड रिमेन वैलिड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा कब तक बताना, जब तक ये रिजाइन ना हुआ हो बाय द पर्सन हु हैज द ऑप्शन टू ट्रीट इट एज व्हाट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। The right to treat it as voidable contract does not invalidate the contract until such right is exercised. मतलब क्या हो गया, जब तक आप contract को resign नहीं करते तब तक वो क्या रहेगा बताना, तब तक वो बराबर validated contract रहेगा, valid contract रहेगा। तो देखो voidable contract does not invalidate till
सच राइट इज एक्सरसाइज। सच राइट बोले तो कौन सा, उसको रिजाइंड करने का राइट जब तक आप यूज नहीं करते तब तक क्या रहेगा बताना, ये वेरी मच वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कॉज्ड बाय कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन चारों से जो भी होगा ये सब क्या होगा, वॉइडेबल। और मैंने आपको तब भी बताया था कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक इज वॉइड, है ना, मिस्टेक से वॉइड बनता है, लेकिन कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से हमेशा कॉन्ट्रैक्ट क्या बनने वाला है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? ओके, फिर नीचे राइट्स में क्या बोला है, एज रिगार्ड्स राइट ऑफ द पार्टीज इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो लीगल रिमेडी। कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट धक्के मार के आपको बाहर निकालेगी, क्योंकि कोर्ट के एंगल में उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई रेलेवेंस ही नहीं होता। ओके, हाँ, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, एग्रीड पार्टी हैज द राइट टू रिजाइन इट। एग्रीड पार्टी को हमेशा राइट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करने का, और वो भी कब तक करना चाहिए बताना, विद इन रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम में उसको रिजाइन करना है। इफ इट इज सो रिजाइंडेड इट बिकम्स वॉइड, अगर रिजाइन कर दिया तो वॉइड बन जाएगा। इफ इट इज नॉट रिजाइंडेड इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये रिजाइन नहीं किया तो फिर तो ये क्या रहेगा बताना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, चल अब देखो मेनली जो आपको लिखना है ना बॉस, वो ऐसे लिखना रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला इसने फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल का, पहले कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल, डेफिनेशन का आ रहा है वॉइडेबल का, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। ठीक है, कॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। इसका मतलब क्या हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे हो सकता है, चेंज इन लॉ होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बोला था प्लास्टिक की कैरी बैग बैन हो जाना, या मैंने पुणे का टिकट निकाला था लेकिन बीच में लॉकडाउन हो जाना, तो ये सब चेंज इन लॉ हुआ ना बच्चों, तो जिसकी वजह से मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाता है ना, और जो मेरे कंटेम्पलेशन के बाहर है, कंटेम्पलेशन बोले तो मेरे पावर के जो बाहर चीजें हैं, इसकी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, तो वो आपका क्या बना देगा बताना, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बना देगा। ठीक है, वॉइडेबल कब बनता है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज वॉज नॉट फ्री। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, अगर लॉ चेंज होता है या सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, और वॉइडेबल कब बनेगा, जब पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता। ओके, परफॉर्मेंस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, अगर आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो ये परफॉर्म कर ही नहीं सकते। जैसे वो पेंटर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, पेंटर लुढ़क गया, अटक गया, मेरे को एक बात बताओ, वो क्या ऊपर से नीचे आएगा कि आपका पेंटिंग का काम करने के लिए, नहीं, तो क्या बोला गया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। ठीक है, लेकिन इफ द अग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट, मतलब अग्रीड पार्टी रिजाइन नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट को, एनी पार्टी कैन स्यू द अदर, कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को स्यू कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीड पार्टी रिजाइन ना करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों पार्टी क्या कर सकती है बच्चों, स्यू कर सकती है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमेशा याद रखना ये बात। ठीक है, यहां परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, और यहां पे अगर एग्रीड पार्टी ने रिजाइन नहीं किया तो दोनों पार्टी स्यू कर सकती है परफॉर्मेंस करने के लिए। बात समझ में आ गई? ओके, राइट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू द पार्टी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई राइट मिलेगा ही नहीं, बल्कि अगर मैं बात करूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री हैज द राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। जिस पार्टी का क्या नहीं था बताना, कंसेंट फ्री नहीं था, वो पार्टी क्या कर सकती है, रिजाइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, चल आगे बढ़ते, आगे था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, मतलब लॉ ने स्पेसिफिकली बोला ऐसे धंधे मत करो, और फिर भी अगर आप करते हो तो वो क्या बनेगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। देखो याद करो, कोर्ट ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को तो नहीं करेगा इन्फोर्स, बल्कि इसके साथ के जो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी कोर्ट क्या नहीं करता है बताना, कभी भी वैलिडेट नहीं करता है। मैंने आपको बताया था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के जो कोलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते बताना, वॉइड बन जाते हैं। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल, ये भी बात अपन ने देखी थी। ओके, हाँ, फिर इसके बाद में जैसा यहां पे एग्जांपल दिया इलीगल का, इफ आर
एग्रीज विथ एस टू परचेज ब्राउन शुगर। अब ये ब्राउन शुगर देखो, अपन भोले भाले लोग हैं तो अपने को नहीं समझता, बट आप में से कुछ होंगे जो ब्राउन शुगर पहचानते होंगे। मेरे हिसाब से ये ड्रग्स का एक प्रकार होता है। ओके, तो ड्रग्स बेचना, ये ऐसे ब्राउन शुगर वगैरह यहां बेचना अलाउड नहीं होता, तो ये अपना एक इलीगल एग्रीमेंट बन जाएगा। ओके ओके, फिर उसके बाद नीचे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन जी एंड, अब ये किसका है बताना, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड। ओके, अब देखो यहां पे भी मेरे को डाउट पूछा था पलक ने, जहां तक मुझे याद है, तो उसने पूछी थी कि सर यहां सेक्शन 2 जी भी दिया है, वो भी बोलता है कि भाई एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड, तो उसको कंफ्यूजन हो गया। उसने पूछा सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 जी है या 2 जे है जो यहां पे देके रखा हुआ है। तो मैं एक बात बताऊं, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट आया तो 2 जे रहेगा, और यहां जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है बताना, ये सेक्शन 2 जी ये एग्रीमेंट के लिए है। ये किसका है बताना, एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट की ये डेफिनेशन है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं रहेगा वो क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। मतलब जहां स्टार्टिंग से ही अगर इसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद ना हो तो उसको बोलेंगे वॉइड अग्रीमेंट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था वॉइड भी दो टाइप के होते हैं, वॉइड एब इनिशियो होता है। एब इनिशियो का मतलब मैंने क्या बताया था, बिगिनिंग से, है ना, कभी कभी बिगिनिंग से आपके एग्रीमेंट क्या हो सकते हैं, वॉइड हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो द एक्ट हैज स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर ड्यू टू चेंज इन एग्रीमेंट मे बी कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। तो ये 2G में जो डेफिनेशन दिया है वो किसका है, वॉइड एग्रीमेंट का। क्या है डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। ठीक है, आगे द इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट डिफर, ये मेरे इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। तो अब हम लोग डिस्टिंक्शन देख रहे हैं इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में। आप डायरेक्टली ये पढ़ लो काफी रहेगा, देखो मैं हमेशा बोलता हूं ये इतना पढ़ लो काफी रहेगा, बट फिर भी यहां देख लेते हैं कि कोई चीज अलग तो नहीं है। नहीं जी, नहीं कुछ भी अलग नहीं है, हम सीधा यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, या यहां पे एक पार्ट है, देखो ये भी देख लेते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। मैं तो आपको पहले बताया जितने भी इलीगल एग्रीमेंट रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहते बताना, वॉइड। However, all void agreements are not illegal. सारे void agreement illegal नहीं रहेंगे। इस बात को प्रूफ करने के लिए देखो मैंने कितना पसीना बहाया था, कितने सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे मैंने illegal, मैंने कैसे बताया था आपको, देखो all illegal agreements are void। देखो सुनो मेरा एग्जाम्पल, आप किसी को मारने की सुपारी दे रहे हो, ओके, तो ये अपने आप में illegal agreement हो गया, तो क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स हो सकता क्या, नहीं। और जो सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल है वो तो void होता है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, वो इलीगल एग्रीमेंट भी जो है वो वॉइड भी तो है, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट को आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ में लेके नहीं जा सकते हो। तो इसके ऊपर से हम लोगों ने क्या बोला था, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, लेकिन ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। अब जैसे आपने पेंटर को पेंटिंग निकालने का एग्जाम्पल, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ओके, अब मुझे बताओ वो पेंटिंग बनाने के पहले अटप जाता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या बन गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, पेंटिंग का काम कराना या पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट देना कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, जवाब है जी नहीं। तो बात क्या हो गई बच्चों, वही हो गई ना कि सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड रहेंगे, लेकिन ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, सारे वॉइड एग्रीमेंट लेकिन इलीगल नहीं रहेंगे। ओके, देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट दैट इन बोथ दे आर वॉइड एब इनिशियो। मतलब क्या हो गया कि आपके इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट में एक खासियत होती है कि दोनों भी वॉइड एब इनिशियो होते हैं। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग से ये वॉइड रहेंगे। ओके चलो, अब ये बस इसमें यही एक बात थी, बाकी सब तो चीजें देखो नीचे आपको मिली रही है, बस इतना पढ़ लो काफी रहेगा। देखो वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में डिस्टिंक्शन, वॉइड एग्रीमेंट नॉट नेसेसरीली इलीगल, जबकि इलीगल में क्या बोला है, एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, ध्यान से लिखना। ओके, उल्टा पुल्टा मत होने देना। नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, इसको लॉ फॉरबिड नहीं करता वॉइड एग्रीमेंट। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो पेंटिंग निकालना, इसको लॉ थोड़ी फॉरबिड करता है, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट दीज आर फॉरबिडन अंडर लॉ, इसको लॉ क्या करता है बताना, फॉरबिड करता है, ठीक है।
पार्टीज आर नॉट लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। मतलब क्या हुआ, पार्टीज को कोई पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलती है। वॉइड एग्रीमेंट में आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जबकि इलीगल अग्रीमेंट में आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। आप किसी को मारने की ठोकने की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाली है, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये चीज कहां पे नहीं होती है, वॉइड एग्रीमेंट में नहीं होती है। कोलैटरल एग्रीमेंट मतलब जो कनेक्टेड एग्रीमेंट है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट मे ऑल्सो बी वॉइड। मतलब क्या हुआ, जो कोलैटरल एग्रीमेंट होते हैं, मतलब कोलैटरल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कनेक्टेड, ठीक है। वॉइड में ऐसा नहीं होता कि उसके कनेक्टेड एग्रीमेंट भी वॉइड हो, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में जरूर क्या होता है बताना, जो उसके कोलैटरल मतलब जो उससे कनेक्टेड एग्रीमेंट जो होते हैं वो भी वॉइड बनते हैं। मतलब आप किसी की बाइक ले रहे हो, आपने किसी बाइक वाले को पकड़ा, उसको बोला चल मेरे साथ में, और आप लेकिन किसको उड़ाने जाने वाले हो, ठीक है। तो आपने जो वो बाइक वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया वो कोलैटरल हुआ, वो भी क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। फिर भी अगर आपको ये देखना तो आप वो वीडियो एक बार देख सकते हो जहां पे मैंने ये सब चीजें आपसे डिस्कस करी थी, ठीक है। उसके बाद अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या था, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे बहुत अच्छा है, देखो इसके नाम पे मत जाना, इसकी भोली भाली सूरत ही ये हमेशा आपको उड़ा देगा। देखो क्या बोला है, अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो फेंकने वाले बच्चे होते वो तो लिख के आएंगे द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, बट ऐसा मत करना, ये बड़ा ही खतरनाक है, मैंने तब भी बताया था आपको। तो क्या करेंगे आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट विच इज गुड इन सब्सटेंस, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो अच्छा है बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, जैसे एब्सेंस इन राइटिंग या बार्ड बाय लिमिटेशन, मैंने बताया था ना आपको लिमिटेशन एक्ट, जैसे 3 साल की लिमिटेशन होती है, वन और बोथ पार्टीज कैन नॉट सू अपॉन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ, एक छोटी सी टेक्निकल डिफेक्ट, और ये टेक्निकल डिफेक्ट भी लॉ के जैसे देखनी चाहिए। अभी ये सेजल के सवाल थे यहाँ पे, तो वो पूछती सर इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, तो मैंने तब भी बोला था कि ये जो आप लोग लिमिटेशन देख रहे हो वो टेक्निकल मतलब लॉ से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे लिमिटेशन देखोगे, और उसकी वजह से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं हो पाया तो जाके ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा बताना, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर वैलिडिटी इन्फोर्सेबिलिटी। कौन कौन से देखे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा, वॉइड देखा, वॉइडेबल देखा, इलीगल देखा, और अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना उसके बेसिस पे भी हमने कुछ इसके टाइप करके रखे थे। सबसे पहला देखा था हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल सा है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सप्रेस बाय वर्ड्स इन राइटिंग और इट इज स्पोकन, मतलब जब वर्ड्स बोले जाते हैं या फिर राइटिंग में बताए जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग क्या बोलने वाले हो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे। जहां प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मेड इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेट टू बी एक्सप्रेस। अब वर्ड्स वो राइटिंग में भी हो सकते हैं या ओरली भी हो सकते हैं, तो कोई बड़ी खास बात नहीं है, लेकिन ये किसके अंदर देख रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में। और सबसे पहला कौन सा देखा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट देखा। ओके, फिर उसके बाद में कौन सा बताना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट उल्टा होता है, जहां पे कोई वर्ड स्पोकन और रिटन नहीं होते। ओके, जैसे कम इन टू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन से आ जाता है। मोस्ट ऑफन इम्प्लीकेशन इज बाय लॉ और बाय एक्शन, आपके किसी एक्शन से या लॉ से ही मान लिया जाता है कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा था क्या यहाँ पे, और उसको फर्दर डिटेल में बोलू तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, मतलब जहां पे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस वर्ड से नहीं दिया गया तो वो जाके आपका क्या बोला जाएगा बताना, इम्प्लाइड प्रॉमिस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल वेर अ कूली इन अ यूनिफॉर्म पिक्स अप अ लगेज, याद आ रहा होगा आपको, एक कूली है उसने आपका लगेज उठा लिया। ओके, तो लगेज उठा लिया, आपने भी कुछ नहीं बोला, तो उल्टा उसने ऑफर किया था। कैसे ऑफर किया बताना, उसने इम्प्लाइडली ऑफर किया है ना, बिना बोले आपको ऑफर किया और आपने भी उसको कुछ नहीं बोला, ना हुआ कुछ नहीं बोला, और आपको पता था ये तो कूली है, फिर भी आप कुछ नहीं बोलते, तो ये आपके बीच में क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है।
और मैंने आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, जैसे बोला था वो जालना और औरंगाबाद की वो एक बस होती है ना, बिना वाहक है ना, बिना कंडक्टर की बस होती है। तो आप एक बार टिकट निकाल के चढ़ जाओ, या वो जब टिकट काउंटर पे जाते हो तो वहां आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होती, आप सीधा उसके पास में जाओगे, आपने 75 रुपीज उसको निकाल के दिए तो डेफिनेटली वो आपको औरंगाबाद का ही टिकट देगा। वहां ना बोलने की गरज होती है, ना कुछ करने की गरज होती है, डायरेक्टली आपको टिकट मिल जाएगा। तो वो आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना देगा बताना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना देगा। बात समझ में आ गई आपको? ओके। इम्प्लाइड में ही एक और होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, टैसिट का मतलब क्या होता है? साइलेंट। और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से होगा उसको हम लोग क्या बोलते बताना, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और यहां पे भी कोई वर्ड्स स्पोकन नहीं होते, रिटन नहीं होते। ओके, इसका टैसिट एग्जांपल का क्लासिक एग्जांपल बोलू तो कैश इज विड्रॉन बाय द कस्टमर फ्रॉम बैंक ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब एटीएम। एटीएम से जब आप लोग पैसे निकालते हो तो वहां कुछ बोलना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ बटन दबाओ है ना, पिन नंबर वगैरह डालो, डिटेल्स डालो, तो आपको क्या मिल जाएगी बताना, आपको पैसे मिल जाते। तो आपका जो कंडक्ट था वो बटन दबाना वगैरह, तो उससे आपका क्या हो जाता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। उसका दूसरा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं क्या, फॉल ऑफ हैमर इन द ऑक्शन सेल। सेल कब कंप्लीट होता है बताना, ऑक्शन सेल के अंदर जब फॉल ऑफ थर्ड हैमर होता है तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये भी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल हुआ, तो ये हमने इसमें देख लिया था। फिर इसके बाद हमने देखा था कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। अब याद आ रहा होगा आपको, तो मैंने क्या बताया था आपको कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, लेकिन लॉ ने हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस डाल के रखे हुए हैं और वो ऑब्लिगेशन बस हमको क्या करने पड़ते हैं, फुलफिल करने पड़ते हैं। क्योंकि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के जैसे आप एग्जांपल भी देखोगे तो एग्जांपल क्या है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर आपको किसी के गुमे हुए या कोई भी गुड्स आपको मिल जाए जो लॉस्ट हो चुके थे किसी और पर्सन के, तो वो अगर आपको मिलते हैं तो आपके पास में क्या मतलब ये आपको क्या करना पड़ेगा। तो लॉ ने आपके ऊपर ऑब्लिगेशन ये डाल के रखा हुआ है कि आपको उसके रियल ओनर को ढूंढना पड़ेगा, रियल ओनर को ये गुड्स लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आपके और वो रियल ओनर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई तेरे कोई गुड्स गुम गए तो मैं तुरे को ढूंढ के ला के दूंगा? ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, ठीक है। तो फिर भी आप क्या करते हो बताना, जब आपको ऐसे गुड्स मिल जाए तो आप सामने वाले बंदे को रिटर्न करते हो, ओके, आप उसको ढूंढते हो, ये किसकी बदौलत कर रहे हो बताना, ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कर रहे हो। तो ये देखो क्लियर कट इसमें भी लिखा है, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, बट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन लगता है कॉन्ट्रैक्ट जैसा। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, मतलब इसको लॉ क्रिएट करता है कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस में, ओके। और लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, और जहां पे कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं होगा, सच ऑब्लिगेशंस आर नोन एज व्हाट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन पार्ट ऑफ द ईदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी भी पार्टी का यहां पे इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, बट लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टी, बट लॉ बलजबरी बोलता है कि भाई चल करो, तो बस इसके लिए हमको करना पड़ता है। बात समझ में आ गई आपको? अब ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट आपको यूनिट नंबर 6 में बहुत डिटेल में आएगा, मैंने तब भी बताया था, वहां पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद में ये छपरी सा ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, सिंपली बोलू तो भाई जब इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ओके। ये फालतू की बातें दी तो है यहां पे, लेकिन सिर्फ आपको इतना याद रखना है जो इलेक्ट्रॉनिक मीन से होगा वो होगा ई कॉन्ट्रैक्ट, और उसको साइबर कॉन्ट्रैक्ट और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, ओके। तो इतना हमने देखा। आगे, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, चलो एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर लेते कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कौन कौन से देखे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसके बेसिस पे हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहला देखा था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो वर्ड स्पोकन और रिटन, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पोकन और रिटन, टैसिट उसके अंदर ही आ जाता है जो कंडक्ट से समझता है, और फिर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट देखा जो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं बट लॉ हमारे ऊपर इम्पोज करेगा कुछ ऑब्लिगेशन जो हमको फुलफिल करने पड़ते हैं, तो वो आपका क्या बना देगा बताना है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। और उसके बाद में हमने क्या देखा बताओ, ई कॉन्ट्रैक्ट, और ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप लोग करोगे दे आर कॉल्ड एज व्हाट, यूर ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये हो गया सब आपका ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा और आगे, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हो
तो उसके बेसिस पे आपके कौन कौन से बन सकते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वहां की वहां रफा दफा हो जाए उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब कंसिडरेशन दोनों पार्टी से क्या हो जाती है, मूव ऑन हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट उधर ही खत्म हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस। देखो फॉरबियरेंस का मेरे को किसी ने मतलब पूछा था, तो फॉरबियरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई चीज को बियर करना उसको क्या बोलते बताना, फॉरबियरेंस। देखो बात सिंपल है ना, मेरे पास में लेट्स से पेट्रोल है बहुत सारा, आप मेरे पास पेट्रोल मांगने आए तो मैं आपसे पैसे लूंगा और आपको पेट्रोल दूंगा, तो एक बात बताओ मुझे कुछ एक चीज मिल भी रही है और एक चीज जा भी रही है, एक चीज मिल रही है दैट इज पैसा, एक चीज जा रही है दैट इज माय पेट्रोल, तो वो फॉर बियर कर रहा हूं ना बच्चों, वो फॉर बियरेंस जो होगा वो आपका हुआ होगा, तो फिर जाके आपका ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कुड बी एन एक्ट और फॉर बियरेंस। व्हेन एक्ट इज डन, जब आपने एक्ट कर लिया और एग्जीक्यूटेड और द फॉर बियरेंस इज बॉट ऑन रिकॉर्ड, ओके, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने वो जो एक्ट करना था वो कर दिया, या जो फॉरबियरेंस होना था आपका वो आपका हो गया, या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर डाला है ना, क्यूटेड मतलब खत्म हो गया, तो जाके उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, आप चले गए डेरी मिल्क लाने, ओके, तो आपने पैसे दिए, आपको डेरी मिल्क मिल गया, सिल्क मिल गई, ओके, तो मुझे एक बात बताओ आपका कॉन्ट्रैक्ट उधर की उधर ही रफा दफा हो गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे देख लो, व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट, है ना, कैश दो शुगर लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, जहां पे बोथ द पार्टीज हैव डन व्हाट दे वर डू टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनको जो कॉन्ट्रैक्ट में करना था उन्होंने कर डाला, तो बच्चों इसको आप लोग क्या करेंगे बोला ना, इसको आप लोग बोलेंगे कि ये आपका हुआ है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर। अब आगे ये क्या है बताना, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताना, द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रोमिस और ऑब्लिगेशन। देखो रेसिप्रोकल प्रोमिस किसको बोलते हैं, देखो कंसिडरेशन में होता क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ही होते हैं, मतलब तुम मुझको कुछ देंगे मैं आपको कुछ दूंगा, जैसे आप पेट्रोल लेने मेरे पास में आ रहे हो तो मैं आपको पेट्रोल दूंगा, बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो गए और ऑब्लिगेशन हो गए। ठीक है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके रेसिप्रोकल प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशन होते हैं, सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर ओनली, मतलब क्या हो गया, जो आपके रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है मतलब मैं तुमको कुछ दूंगा तुम मुझको कुछ दोगे, तो जब दोनों पार्टीज के एंड पे कंसिडरेशन फ्यूचर में परफॉर्म होने वाली है, फ्यूचर में कंसिडरेशन मूव होगी, तो जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बताना, एग्जीक्यूटेड। कब बोलेंगे, जब कंसिडरेशन दोनों पार्टी से डिस्चार्ज हो चुकी है। एग्जीक्यूटरी कब बोलेंगे, जब दोनों पार्टी से कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर ओनली, जो फ्यूचर में परफॉर्म होगी तो जाके उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एंड देयरफॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, वेयर जी एग्रीज टू टेक ट्यूशन ऑफ एच, जी नाम का एक बंदा है उसको एच से ट्यूशन लेने दे, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है एच, ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एंड एच इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस टू पे जी 1000 per month, मतलब ये ट्यूशन कब से चलूंगा, अगले महीने से, तो उसने बोल दिया कि सर मैं आपके पास में क्लास लगाऊंगा, हाँ लेकिन क्लास कब से चालू होगा, अगले महीने से, और कंसिडरेशन जो रहेंगी वो 1000 per month है, लेकिन वो भी कब से, अगले महीने से, तो मुझे एक बात बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट में ना ही उस टीचर ने उसको बच्चे को पढ़ाना चालू किया और ना ही वो बच्चे ने उसको पैसे देने चालू करे, तो ये दोनों भी चीजें फ्यूचर में होंगी ना, तो मतलब दोनों पार्टी से कंसिडरेशन कब मूव ऑन होगी बताना, फ्यूचर डेट में होगी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग क्या बोलोगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ गई आपको, ओके। एग्जीक्यूटरी के ही दो टाइप और बनते हैं, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। एग्जीक्यूटरी के दो टाइप और कौन से बनते बताना, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। ये एग्जाम्पल देखोगे तो थोड़ा मिसलीड हो सकते हो,
तो बेटर है मैं जैसे बता रहा हूं ध्यान में रखना, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी होगी कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इसेंशियल एलिमेंट में देख चुके हो कि अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा तो वहां पे एटलीस्ट आपको दो पार्टीज तो लगने वाली है। तो यहां पे क्यों बोला है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे वन पार्टी हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी, यहां एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है, एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग, और दूसरे पार्टी का ऑब्लिगेशन अभी क्या है बताना, आउटस्टैंडिंग है, उसने अभी तक अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग इसको क्या बोलने वाले हो बताना, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यू विल बी कॉलिंग इट एज व्हाट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू हैव क्लियर इट। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते, वो भी समझा देता हूं मैं आपको। एम एडवर्टाइजेज पेमेंट ऑफ आर वार्ड ऑफ ₹5,000 टू एनी वन हु फाइंड हिज मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम। तो इसने एडवर्टाइज किया कि भाई वो ₹5,000 देगा जो भी उसके मिसिंग बच्चे को ढूंढ के लाएगा। एज सुन एज बी ट्रेसेस द बॉय, बी ने ढूंढ लिया, देर कम्स इन टू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बी ने ढूंढ लिया ना तो उसकी तरफ से परफॉर्मेंस हो गई, तो उसने बोला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिकॉज बी हैज परफॉर्म हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड इट रिमेन्स टू एम टू पे एन अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड टू बी। अब एम की बारी है उसको रिवॉर्ड देने की। तो देखो ना बॉस, इधर क्या हो गया, अब दो पार्टीज थी, जो बच्चा ढूंढ के लाके देगा मैं पैसे दूंगा, तो एक पार्टी बी ने क्या किया, उसका बच्चा ढूंढ लिया, तो बी ने अपने तरफ से परफॉर्मेंस कर दी। अब परफॉर्मेंस किसको करना बाकी बताना, एम को करना बाकी है। क्यों? क्योंकि एम को अब उसको क्या देना बाकी है, रिवॉर्ड देना बाकी है। बात समझ में आ गई आपको? दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहां पे एक पार्टी ने परफॉर्मेंस दे दिया और दूसरे का बाकी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। फिर इसके बाद में क्या बताना, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। Bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of both the parties. अब दोनों भी parties ने क्या किया, अपने obligation fulfill नहीं करे, तो that becomes what, bilateral contract. तो वो आपका क्या बनने वाला है बताना, bilateral contract बनेगा। जैसे A promises to sell his plot to B, मतलब A ने promise किया कि वो अपना plot किसको बेचेगा, B को, कितने में बताना, 1 lakh की cash down, मतलब तब का तब 1 lakh रुपए लेगा, बट बी पेज ओनली 25,000, लेकिन बी ने तो 25,000 ही दिए, ओके, एंड प्रोमिसेस टू पे द बैलेंस ऑन नेक्स्ट संडे, और बाकी का पैसा वो अगले संडे को देने का प्रोमिस करता है। ऑन द अदर हैंड ए गिव्स द पोजेशन ऑफ प्लॉट टू बी, पोजेशन देने का मतलब क्या होता है, पोजेशन बोले तो फिजिकल कस्टडी दे दी प्लॉट की, ओके, फिजिकल कस्टडी को बोलते हैं पोजेशन, पोजेशन ऑफ प्लॉट टू बी एंड प्रोमिसेस टू एग्जीक्यूट सेल डीड, सेल डीड बोले तो उसके नाम पे वो कब करने वाला है प्लॉट को बताना, ऑन रिसिप्ट ऑफ होल अमाउंट। तो सीधी सीधी सी बात है, ए सेल करने वाला था बी को अपना प्लॉट कितने में, 1 lakh में, बट बी ने अभी उसको 25,000 ही दिए, और बाकी के पैसे वो कब देगा बोलता है, अगले संडे को देगा। तो ए भी बड़ा शाना था, ए ने क्या किया, ए ने सेल डीड उसके नाम अभी नहीं बनाई, सेल डीड मतलब उसके नाम पे उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर आज नहीं की, वो क्या बोलता है बताना, अभी तू सिर्फ पोजेशन ले, मतलब लैंड पे नाच गा जो करना है कर, पोजेशन बोले तो फिजिकल कस्टडी ले ले प्लॉट की, लेकिन मैं सेल डीड कब बनाऊंगा, ऑन द रिसिप्ट ऑफ होल अमाउंट, जब तू पूरी अमाउंट देगा तब मैं तेरे को सेल डीड बना के दूंगा। तो आपको नहीं लगता यहां पे भी दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, इसने अभी 75,000 पूरे नहीं दिए और ना ही इसने पूरी क्या बोलेंगे हम लोग सेल डीड उसके नाम नहीं करी है, तो फिर यहां पे दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन अभी पेंडिंग है, तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज याद रखना, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, बायलैटरल, क्योंकि हमने एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या देगा, जहां दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है परफॉर्म करना, और बायलैटरल में भी वही देख रहे, ओके, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लोग क्या बोलते बताना, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब हमने ये रिवीजन के सेकंड वीडियो में पूरे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिए, ओके, अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तब मैं आपको ये प्रपोजल ऑफर जो हमने अभी अभी हाल फिलहाल में देखा है बच्चों, ये सब चीजें हम लोग वापिस से क्या कर लेंगे बताना, पूरी पूरी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चल, थैंक यू।